Maybach music. Can anybody out there hear me? Hear me? Hello friends, आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे हमारी एम्स भुवनेश्वर की तरफ से एक रिक्रूटमेंट निकली हुई है। तो ये स्टार्ट कब से हुआ है ना, 27/8/21 को निकला है और इसका लास्ट डेट है, यहाँ पे आप देख रहे होंगे, 7/9/21 को। तो यहाँ पे जो पोस्ट निकला है ये वॉकिंग इंटरव्यू पे रखा जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है, एप्लीकेशंस आर इन्वाइटेड इन द प्रेस्क्राइब फॉर्मेट अटेस्ट हियर विथ फॉर द फॉलोइंग ऑन द कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर नर्स फील्ड वर्कर सेंक्शन अंडर ICMR प्रोजेक्ट एंटाइल्ड ए स्टडी ऑन द मैग्नीट्यूड एंड द पैटर्न ऑफ कॉज ऑफ हार्ट फेल्योर ए फिजिबिलिटी स्टडी अंडर डॉक्टर रामचंद्र बारिक एसोसिएटेड प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी एम्स भुवनेश्वर। तो ये वॉकिंग इंटरव्यू पे सिलेक्ट होगा और ये टोटल कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस जॉब है ये, ठीक है। तो पोस्ट क्या है, जूनियर नर्स और फील्ड वर्कर जो भी रखा जाएगा, ठीक है। तो इसका वॉकिंग इंटरव्यू का डेट है कब, 15/9 को, ठीक है। तो आपको इस डेट पे जाना होगा, वहाँ पे वॉकिंग इंटरव्यू होगा। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखा है, देखिए, एप्लीकेशंस इन द स्टैंडर्ड फॉर्मेट शुड रीच एट कार्डियो रामचंद्र एट द रेट, आपको इस ईमेल आईडी पे भेजना है, ठीक है, अप टू 5 PM बिफोर 7/9/2021, 5 बजे से पहले ही आपको भेजना है, उसके बाद भेजने पर ये लागू नहीं होगा, ठीक है। तो इसके लिए एक फॉर्मेट है, मैं आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। ये देखिए, एप्लीकेशन फॉर्म, सिर्फ इसी पे ही फिलअप करके आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे है सब कुछ, नेम है, नेम ऑफ द पोस्ट अप्लाइड फॉर, आप किस पोस्ट पे अप्लाई करेंगे, ठीक है, नेम ऑफ द प्रोजेक्ट, यहाँ पे जैसे इंडिकेशन है उसी तरह से लिखना है, ठीक है। आपका STSC जनरल कौन सा है यहाँ पे लिखेंगे, फिर यहाँ पे एग्ज़ाम पास कौन कौन सा एग्ज़ाम, जैसे कि यहाँ पे होगा 10th, ठीक है, तो BSc, CHSC जो भी है आपका बोर्ड, जो भी है वो लिखना है, परसेंटेज ऑफ मार्क लिखना है, ईयर ऑफ पासिंग, सब्जेक्ट कौन सी बोर्ड से है, ठीक है। अगर आप पहले कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो वो भी यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे और कौन कौन सी इंडिकेशन है वो देख लेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, द एसेंशियल क्वालिफिकेशंस एक्सपीरियंस कंसोलिडेटेड सैलरी एंड सर्विस टेन्योर RH अंडर, तो यहाँ पे जो जो लिखा है उसी हिसाब के हिसाब से क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे अपर एज लिमिट है 30 years, नंबर ऑफ पोस्ट है 2, क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस क्या क्या है, बैचलर इन नर्सिंग, डिप्लोमा इन नर्सिंग, जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, GNM, तो GNM विथ 2 year एक्सपीरियंस। आपको आप अगर GNM किए हैं तो आपको 2 साल की एक्सपीरियंस चाहिए। BSc नर्सिंग है तो ठीक है, एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं है। प्लस टू साइंस विथ 60% मार्क, अगर प्लस टू साइंस किए हैं तो 60% मार्क या उससे ज़्यादा होगा तो ठीक है, उससे नीचे होगा तो आप क्वालिफाइड नहीं करेंगे। लोकेशन कहाँ पे है, एम्स भुवनेश्वर उड़ीसा। सैलरी आपको दिया जाएगा 18,800, सैलरी यहाँ पे अच्छा है। डेट ऑफ इंटरव्यू कब है, 15 सितंबर को, ठीक है। टाइम 2 बजे से 5 बजे के अंदर, 2 PM। तो आपको रिपोर्टिंग कब तक करना होगा, 12 PM, ठीक है, 12 बजे रिपोर्टिंग करना है, फिर 2 बजे से स्टार्ट होगा आपका इंटरव्यू। तो कहाँ पे होगा ये, फर्स्ट फ्लोर एकेडमिक ब्लॉक एम्स भुवनेश्वर, यहीं पे ही होगा आपका इंटरव्यू। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स सब मैं बता रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट है, जो जो क्वालिफिकेशन
यहाँ पे मांगा है, ठीक है। कैंडिडेट्स मीटिंग द एज क्राइटेरिया एंड पोसेसिंग द रिक्वायरमेंट रिक्वायर्ड क्लासिफिकेशन एक्सपीरियंस एक्सेट्रा एंड विलिंग टू वर्क फॉर द अबोव मेंशन प्रोजेक्ट में अप्लाइड एंड फिल द एप्लीकेशन फॉर्म इन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ओनली एंड सेंड इट टू द ईमेल ऑन और बिफोर द लास्ट डेट एंड टाइम और रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन एज मेंशन अबोव। तो यहाँ पे जो जो क्राइटेरिया मांगा है उसी के हिसाब से उसे देना है और जो एप्लीकेशन फॉर्मेट दिया है नीचे उसी में फिलअप करना है। और मैंने बताया ना ये ईमेल आईडी इसी में ही भेजना है, दूसरा ईमेल आईडी में नहीं भेजना है यार, दूसरा फॉर्मेट में नहीं, ठीक है। फिर आ गया ये आपको लिखना है एप्लीकेशन फॉर्मेट में लिखना होगा कि आप कौन सी पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। फिर हो गया आपको बताया पहले ही 5 PM से पहले आपको भेजना है, देन आपको भेज देंगे। फिर हो गया अगर आप लेट हो गए और इनकम्प्लीट एप्लीकेशन भेजे हैं तो ये डिसक्वालिफाइड है, ठीक है। द अबव पोजिशन विल बी फिल्ड प्योरली ऑन टेम्पररी, तो यहाँ पे ये पहले ही बता दिए हैं कि ये है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस का, ठीक है, तो ये परमानेंट नहीं है। और क्या है यहाँ पे जो लिखा है 18,800, देखिए इसी के हिसाब से सैलरी आपको मिलेगा, इससे ज़्यादा कम ये आप नहीं बोल पाएंगे। फिर आपको ST SC OBC क्या है उसी के हिसाब से एज रिलैक्सेशन है, अगर ST SC है तो 5 ईयर, OBC है तो 3 ईयर, ठीक है, इसी के हिसाब से आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। फिर वॉकिंग इंटरव्यू का डेट पता है उसी के हिसाब से आपको पहुंचना है पर्टिकुलर पोजीशन पे। फिर क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस शुड बी रिलेवेंट डिसिप्लिन फील्ड एंड फॉर्म एंड इंस्टीट्यूशन ऑफ रिप्यूट एक्सपीरियंस शुड हैव बीन गेन आफ्टर एक्वायरिंग द मिनिमल एसेंशियल क्वालिफिकेशन। तो आप क्या क्या क्वालिफिकेशन आपका है उसी के वो फिलअप करना है और उसी के हिसाब से आपको सब सर्टिफिकेट लेके जाना है। देन हो गया ये हो गया मोर मियर फुलफिलिंग द एसेंशियल एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डोर नॉट गारंटी द सिलेक्शन। अगर आप यहाँ पे जितना देखिए यहाँ पे है GNM विथ 2 ईयर एक्सपीरियंस BSc नर्सिंग और +2 साइंस विथ 16 मंथ, तो यही क्वालिफिकेशन आपको चाहिए। इसे अगर ज़्यादा होगा तो अगर आप सोच रहे होंगे कि हम MSc किए हैं या उस कुछ ज़्यादा कोर्स किए हैं कुछ ज़्यादा क्वालिफिकेशन है तो हमें सिलेक्ट हो जाएंगे, हम सिलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, तो ये नहीं होगा। देन हो गया पर्सन्स ऑलरेडी इन रेगुलर टाइम स्केल सर्विस, अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं पहले से तो इसके लिए एलिजिबल नहीं है। फिर हो गया अगर डिसक्वालिफ है, अगर कोई फॉल्स इंफॉर्मेशन दिए हैं तो उसी टाइम ही आप डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। और क्या है ये सब थोड़ा थोड़ा है जैसे नॉर्मल रहता है, तो इसमें कोई पेंशन स्कीम नहीं है, ट्रैवल पेंशन, मेडिकल क्लेम कुछ नहीं है, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है, ये तो परमानेंट नहीं है। फिर क्या है जब होगा वॉकिंग इंटरव्यू, फिर जब आपका आप सिलेक्ट हो जाएंगे तो ये हमारा वेबसाइट पे शो करेगा, ठीक है, आप एम्स के वेबसाइट पे देख पाएंगे। फिर जब आपको बुलाएंगे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो आपको सारे डॉक्यूमेंट लेके आना है, ये सब डॉक्यूमेंट। ठीक है, अगर आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं ला पाए, कुछ भी गलती हुआ तो आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। आपको अगर टर्मिनेट किया जाएगा तो 1 महीने के पहले ही नोटिस कर देंगे। अगर आप जब छोड़ना चाहते हैं तो 1 महीने पहले ही आपको भी बताना पड़ेगा, अगर नहीं तो 1 महीने का सैलरी आपको
डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब है, तो इसके लिए अभी ज़्यादा दिन नहीं है, सिर्फ एक ही दिन बचा है, तो जल्दी से आप अप्लाई कीजिए, ठीक है।